पाकिस्तान के तुर्बत में नौसेना के एयर स्टेशन पीएनएस सिद्दीकी पर हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने ली हमले की जिम्मेदारी। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बीएलए के लड़ाके नेवल एयरबेस के अंदर घुसे। लगातार फायरिंग और बम के धमाके किए जा रहे। पीएनएस सिद्दीकी पर हुए हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। फिलहाल पाकिस्तानी सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रधानमंत्री आवास का घेराव। शराब नीति घोटाला केस में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ घेराव किया गया ऐलान। आम आदमी पार्टी सुबह 10 बजे से करेगी पीएम आवास का घेराव। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पार्टी कार्यकर्ता पीएम आवास के घेराव के लिए जमा होंगे। आम आदमी पार्टी के घेराव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए पुख्ता। नई दिल्ली में ट्रैफिक जाम की आशंका। दिल्ली के कई रूट को किया जा सकता है डायवर्ट। पटेल चौक, उद्योग भवन, सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय और कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को भी किया जा सकता है बंद। ईडी का अरविंद केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। ईडी के मुताबिक सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल। ईडी ने शराब नीति घोटाले में केजरीवाल से पूछे 10 सवालों के जवाब किए दर्ज। सोमवार की शाम 6 बजे तक की गई पूछताछ। सुनीता केजरीवाल सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंची। सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी ने डीपी कैंपेन किया लॉन्च। की गई पूछताछ। सुनीता केजरीवाल सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंची। सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी ने डीपी कैंपेन किया लॉन्च। आम आदमी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता लगाएंगे केजरीवाल की तस्वीर। नारा दिया मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। बिना सबूत के केजरीवाल को जेल में डाला गया। पीएम को पता है बीजेपी को सिर्फ वही हरा सकते हैं। मंत्री आतिशी का बयान। आतिशी ने केजरीवाल को एक आइडिया बताया। कहा एक केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं। उनकी सोच के हजारों केजरीवाल तैयार होंगे। केजरीवाल जेल में ही सरकार चलाएंगे। 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले को देना पड़ता है इस्तीफा। मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। सीएम केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो होली मनाएंगे। आचार संहिता में सीएम को अरेस्ट करने से पूरी दुनिया शॉक्ड। मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का गाने के माध्यम से केजरीवाल पर तंज। कहा कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में होली। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। कई आप नेता खा रहे हैं जेल की हवा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। शिवसेना उद्धव गुट का ऐलान। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली में होंगे शामिल। पीएम मोदी केजरीवाल से डरते हैं, वो बीजेपी के लिए अब और खतरनाक होंगे। सांसद संजय राउत का बयान। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी की रिमांड आज हो रही है खत्म। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को बताया वैध। कहा वो इस गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में लड़ती रहेंगी। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले ने पकड़ा तूल। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले में चुनाव आयोग को लिखेगा पत्र। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से कंगना के खिलाफ किया गया था अभद्र कमेंट। विवाद बढ़ने पर पोस्ट डिलीट की गई। कंगना को लेकर अभद्र पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत की सफाई। मेरा अकाउंट कोई और चला रहा था। किसी महिला पर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकती। सुप्रिया श्रीनेत का बयान। मैं खुद जानने से लगी हूँ किसने पोस्ट किया। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। नहीं कर सकती अभद्र टिप्पणी। आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना का पलटवार। कहा लोगों को सेक्स वर्कर्स की चुनौतीपूर्ण जीवन को किसी तरह की गाली के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कंगना ने लिखा एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल में मैंने हर तरह की महिला के किरदार निभाए। हर महिला सम्मान के हकदार है। उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस का असली चरित्र आया सामने। मामले में कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर लिखा ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सच। महिलाओं के रेट लगाए जा रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कंगना को जीत की और मार्च करने को कहा। बोली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि फौलादी महिला से कैसे व्यवहार करें। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा अब समय आ गया है कि हम रूढ़िवादिता से लड़े। आपको आपके काम के आधार पर आंका जाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। टिप्पणी करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई। हिमाचल कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह का बयान। मंडी से कंगना को मौका मिलना खुशी की बात। देखना होगा राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी। कंगना रनौत का मंडी के लोगों के साथ न्याय करना होगा मुश्किल। फिल्में बनाना रही है उनकी प्राथमिकता। विक्रमादित्य सिंह का बयान। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की। आज कर सकते हैं उम्मीदवारों के नाम और सीट का ऐलान। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मातोश्री में हुई बैठक। विवाद वाली सीटों पर हुई चर्चा। प्रकाश अंबेडकर के एमवीए में शामिल होने पर सस्पेंस। 27 मार्च को अकोला सीट से नामांकन को लड़े
कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। कोटा से प्रहलाद गुंजल, राजसमंद से सुदर्शन रावत को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ आज करेंगे नामांकन। पार्टी ने छिंदवाड़ा ने बनाया उम्मीदवार। सहारनपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद आज भरेंगे नामांकन। तीसरी बार उस सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। ओडिशा की करीब 15 से 18 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, धर्मेंद्र प्रधान का दावा। केवल डेवलपमेंट ही है पीएम मोदी का एजेंडा। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए दर्ज करेगा जीत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा। असदुद्दीन ओवैसी का हेमंत बिस्व शर्मा पर अटैक, कोई नहीं मांग सकता वफादारी का सबूत। साउथ चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया नामांकन, कहा मैं जनता के लिए करती हूं काम। कांग्रेस नेता कार्तिकेय चिदंबरम ने किया नॉमिनेशन, कर्नाटक की शिवमोगा सीट से उम्मीदवार। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, लोकतंत्र में जनता होती है भगवान, मजबूती से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के सभी नेता सनातनी एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरवास का बयान। विपक्ष पीएम को जितनी गालियां देगा उतनी ही जनता का समर्थन मिलेगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी ने पार्टी का बीजेपी में किया विलय, कहा घर वापस आ गया हूं, पार्टी की दी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तेजस्वी सूर्या ने पूर्व सीएम कुमार स्वामी से मुलाकात की, कहा कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के अलायंस से होगा फायदा। कर्नाटक के तुमकुरु में बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, साझा मंच पर ही भिड़े दोनों दल के कार्यकर्ता। बीजेपी जेडीएस गठबंधन के साझा उम्मीदवार सोमन्ना के सामने शुरू हुई बहस, बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत करवाया गया। तमिलनाडु के ऊटी में भिड़े बीजेपी एआईएडीएमके के नेता, पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल। अपने घायल कार्यकर्ताओं से अस्पताल में मिले बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन, तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई रहे मौजूद। महाराष्ट्र में बीड जिले के माजल गांव में एक मस्जिद पर रंग से जय श्री राम लिखने पर हुआ हंगामा, आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए लोगों ने किया थाने का घेरा। माजल गांव पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से माहौल ठीक रखने की अपील की, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने पर दिया भरोसा। तेलंगाना के मिडचल मालकाजगिरी जिले में होली के मैदान में दो समुदायों में हिंसक झड़प, नमाज के वक्त दूसरे समुदाय के लाउडस्पीकर बजाने पर हुआ विवाद। चेंगी चेलरा में पीतल बस्ती में होली खेल रहे कुछ लोगों ने नमाज के वक्त स्पीकर लगाया था, मना करने पर दोनों समुदाय के लोगों के बीच शुरू हुई हिंसक झड़प। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की बुलंद मस्जिद के पास एक लड़के की गोली मारकर हत्या, देर शाम युवक को मारी गई गोली। परिवार वालों के मुताबिक मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवक को दो लड़के लेकर गए थे, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। नोएडा के सेक्टर 32 में देर रात उद्योग विभाग के एक डंपिंग यार्ड में लगी आग, एक अनजान शख्स आग लगाकर बाइक से हुआ फरार। डंपिंग यार्ड में गार्ड ने शख्स को पकड़ने की कोशिश की, पुलिस फिलहाल एफआईआर दर्ज कर अनजान शख्स की तलाश में जुटी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। डंपिंग यार्ड में रखे हुए थे कटाई किए गए पेड़ों के टुकड़े। श्रीनगर के बटमालू में भीषण आग का कहर, कई मकान पूरी तरीके से जलकर खाक। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी झुलसने से घायल, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, विदेशी महिला यात्री से 19 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल धनसुरा के एक ढाबे में पहुंचे, ढाबे की चाय पीकर और लोगों से उनका हाल समाचार जाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के एक पीएम से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में किया दावा। कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 139 तक पहुंची, रूसी अधिकारियों ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बैठक में दी जानकारी। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल हमले में कोर्ट में पेश किए 4 आरोपियों में से 3 ने अपने गुनाह कबूल किए, सभी आरोपी तजाकिस्तान के नागरिक। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल अटैक मामले में 7 और संदिग्ध को पकड़ा गया, 3 संदिग्धों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पेश किए गए किसी आरोपी के शरीर पर चोट के निशान नहीं दिखे, रविवार को पेश किए संदिग्धों के चेहरे पर थे टॉर्चर के निशान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस के कॉन्सर्ट हॉल अटैक की निंदा की, सदस्य देशों के 1 मिनट का मौन रखकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने किया मिसाइल अटैक, कई मकानों और संस्थानों को पहुंचा नुकसान। रूसी मिसाइल अटैक के बाद कीव में मची दहशत, सायरन बजते ही लोगों ने जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन की शरण ली। यूक्रेनी सेना बखमुत में रूसी को कड़ी टक्कर देने में जुटी, रूसी सेना पर दागे सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप से गोले। रूस ने बखमुत में सेना के साथ ड्रोन को भी किया तैनात, ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेनी सेना को बार बार अपनी पोजीशन भी बदलनी पड़ रही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तुरंत सीजफायर का प्रस्ताव पास किया, रमजान के पाक महीने का हवाला देते हुए तुरंत जंग रोकने की अपील की। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी देशों के सीजफायर का प्रस्ताव रखा, 14 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, अमेरिका वोटिंग के लिए नहीं हुआ शामिल।
इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गाजा में युद्ध विराम से किया इनकार, कहा जब तक बंधक अपने घर नहीं पहुंचते जब तक जंग रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इसराइल पर गाजा पट्टी से दागे गए कई रॉकेट इजरायली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही रॉकेट्स को किया तबाह। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक शिफा अस्पताल में अभी जारी रहेगा सेना की कार्रवाई, हमास के खिलाफ अभी पूरा नहीं हुआ ऑपरेशन। ब्रिटेन ने चीन की एक कंपनी और सरकार से संबंधित दो अधिकारी पर लगाया प्रतिबंध, साइबर हैकिंग का आरोप लगाया। रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर की सफल लैंडिंग, 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गया एयरक्राफ्ट। आइसलैंड में दिखा कुदरत का अनोखा नजारा, सक्रिय ज्वालामुखी के साथ आसमान में नजर आया नॉर्दर्न लाइट्स। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला, चेन्नई में भिड़ेंगे दोनों टीमें, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया, आरसीबी ने आईपीएल सीजन 17 की पहली जीत दर्ज की। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी कर 176 रन बनाए, बेंगलुरु ने 177 रन का टारगेट 6 विकेट खोकर हासिल किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के सबसे बड़े हीरो विराट कोहली रहे, 49 बॉल पर 77 रनों की विस्फोटक पारी खेली। पंजाब किंग्स के कगिसो रबाड़ा और हरप्रीत बरार को 2-2 विकेट मिले, सैम करन और हर्षित पटेल को 1-1 विकेट मिला। पंजाब की ओर से कप्तान शिखर धवन ने 45 रन की पारी खेली, जितेश शर्मा ने 27 और प्रभा सिमरन सिंह ने 25 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मोहम्मद सिराज और ग्लेन मैक्सवेल को 2-2 विकेट मिले, यश दयाल और अल्जारी जोसेफ को 1-1 विकेट मिला। विराट कोहली T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने, सुरेश रैना को पीछे छोड़ा। विराट कोहली ने बनाया 100वां 50+ स्कोर, ऐसा करने वाले विराट कोहली पहले भारतीय क्रिकेटर बने। आरसीबी के खिलाफ हार पर बोले पीबीकेएस के कप्तान शिखर धवन, 10 से 15 रन भारी पड़े, कैच भी छोड़ा। बीसीसीआई ने आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी किया, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा क्वालिफायर एक और एलिमिनेटर मुकाबला। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 26 मई को आईपीएल 17 का फाइनल मुकाबला, क्वालिफायर 2 भी इस मैदान पर होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले से पहले बोले भारतीय फुटबॉल कोच स्टिमिक, भारत तीसरे दौर में पहुंचने में नाकाम रहा तो इस्तीफा दे दूंगा। फुटबॉलर फ्लोरियन विटर्स जर्मनी के लिए सबसे कम समय में गोल दागने वाले खिलाड़ी बने, विटर्स ने 7वें सेकंड में दागा गोल, जर्मनी ने फ्रांस को 2-0 से हराया।